वी आर गोइंग टू मेक सोया मिल्क। सोया मिल्क बनाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 ग्राम के करीब मैंने सोयाबीन के यहाँ ग्रेन्स ले लिए हैं, इनको रात को पानी में डिप करके रखना है। इसको खुले पानी में डाल लेंगे और कम से कम 8 घंटे के लिए इसको डिप करके रखेंगे। 8 घंटे के बाद जब ये अच्छे से फूल जाएंगे तब हम इसका सोया मिल्क बनाएंगे। 8 घंटे के बाद ये कुछ ऐसे होंगे, आप देख सकते हैं कि ये ग्रेन्स जो हैं फूल के, इनका साइज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। देखिए, इस पानी को निकाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा पानी डाल लेंगे साथ में। बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट जैसे बन जाएगा। फिर इसको मसलिन क्लॉथ लेके उसमें छान लेंगे। साथ साथ में इसमें थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। 100 ग्राम जो सोयाबीन है वो ऑलमोस्ट 1.5 लीटर तक सोया मिल्क बनाती है। इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको गर्म करने के लिए रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, इसको थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे और बॉयल होने की वेट करेंगे। बॉयल होते मिल्क में आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हो। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इलायची के दाने डाल सकते हो इसमें। अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है जैसे चॉकलेट फ्लेवर है या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो आप वो फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हो। डियर कितना टाइम लगेगा, मेरे को तो अभी चाहिए। अभी तो 5 मिनट्स तक लग जाएंगे बनने में। मम्मा क्या बना रहे हो? सोया मिल्क बन रहा है बेटा। ओह माय फेवरेट, मुझे जल्दी दो यार, अभी तो गर्म है। जल्दी जल्दी ठंडा करके दे दो, अभी टाइम लगेगा। बनाने के बाद जो रेजिड्यू बचा है इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इसकी हम 3 डिफरेंट डिशेस बनाएंगे। आपको जो पसंद हो इनमें से वो डिश आप बना सकते हो। फर्स्ट आई एम टेकिंग हियर, ये जो मटेरियल है सोयाबीन का, इसके अंदर हम सूजी मिक्स करेंगे। जितना सोयाबीन का रेजिड्यू बचा हुआ है ऑलमोस्ट उतनी ही सूजी डाली जाएगी। उसके बाद इसमें हल्का नमक, थोड़ी सी मिर्च, काला नमक और कर्ड डालेंगे। इसको डाल के मिक्स करके रखेंगे। कम से कम 1.5 घंटा तक इसको रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और बहुत अच्छे से इडली बन सकेगी इसकी।
मटेरियल थोड़ा सा थिक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, बिल्कुल जैसे इडली का बैटर बनाते हैं नॉर्मल, वैसे इडली का बैटर बना के रखेंगे। जस्ट इडली बनाने से 5 मिनट्स पहले हम इसमें इनो डाल देंगे थोड़ी सी, ताकि ये बैटर अच्छे से फूल जाएगा। अभी इसको 1/2 आवर ऐसे ही रखेंगे। ये इडली का हमारा बैटर रेडी है, इसको 1/2 आवर तक रेस्ट करने देंगे। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड पार्ट है ये रेजिड्यू का बचा हुआ, उसमें मैं व्हीट फ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसमें भी सेम जैसे जितना बचा हुआ रेजिड्यू है ऑलमोस्ट उतना ही व्हीट फ्लोर ऐड करेंगे। इसकी हम रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के लिए मैं आटा गूंथ रही हूँ इसका, वैसे ही हल्का नमक डाल के इसका बिल्कुल रोटी जैसा आटा गूंदा जाएगा। दिया है इसको 10 मिनट्स तक रेस्ट करने देंगे, उसके बाद इसकी चपाती बनाएंगे। नाउ आई हैव थर्ड पार्ट ऑफ दिस रेजिड्यू। इस बचे हुए रेजिड्यू का मैं स्नैक्स बना रही हूँ, दैट इज़ जस्ट लाइक स्टार्टर बिफोर योर लंच। इसमें हल्का सा सॉल्ट, रेड चिल्ली, जीरा पाउडर, कड़ी लीव्स को थोड़ा सा क्रश करेंगे, और उसके साथ ही मुझे चाहिए, दिस इज गार्लिक। गार्लिक को हम लोग ऐसे हनी में डाल के रख लेते हैं तो इट रिमेन्स प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। 2-3 फ्लेक्स में इसमें डाल रही हूँ गार्लिक की। इसको क्रश कर लेंगे। ये स्नैक्स में भी टिक्की हो जाए तो मजा आ जाए आज। हाँ जी बिल्कुल, टिक्की बन रही है, सोया टिक्की हो जाएगी है। हाँ जी सोया टिक्की, वेरी न्यूट्रिशियस। सोया मिल्क, सोया पनीर, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली लो फैट थिंग्स, इनसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, इसीलिए हम प्रेफरेबली इन चीज़ों को लाइक करते हैं खाने में। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा व्हीट फ्लोर बाइंडिंग के लिए। इनको मिक्स करेंगे। इसमें आप अरारोट भी डाल सकते हो, अरारोट डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। अगर घर पे अरारोट अवेलेबल है अरारोट डाल सकते हो। हम यहाँ नॉर्मल व्हीट फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। हो चुका है तो अब हम इसमें टिक्की फ्राई करेंगे। इसको हमने बिल्कुल पतला रखा है ताकि ये बीच में से कच्ची ना रहे। चार पांच टिक्की आप एक टाइम में इसको डाल सकते हो, छोटी छोटी टिक्की है। आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो इसको फ्राई करने के लिए। गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। आप इसको शाम की चाय के टाइम बना सकते हैं, या फिर आप इसको लंच और डिनर से पहले जस्ट लाइक स्टार्टर यूज़ कर सकते हो। कभी भी भूख लगती है, सिर्फ 5 मिनट्स का काम है इसको बनाना, कभी भी आप बना सकते हो। अगर आप सोया मिल्क डेली बना रहे हो, आप अगर डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते, तो इनमें से किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप इडली खाना पसंद करते हो तो आप इडली बना सकते हो, टिक्की खाना पसंद करते हो तो टिक्की बना सकते हो, अदरवाइज रोटी तो बेस्ट ऑप्शन है ही, फिर रोटी तो बन ही सकती है।
इसको धीमी आंच पे हम लोग सेंक रहे हैं। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो इसको निकाल लेंगे। अंश को बहुत भूख लगी है आज। अंश, हाँ जी मम्मा। आइए बेटा, आपके लिए नाश्ता तैयार है। थैंक यू मम्मा। लीजिए, अब हम सोयाबीन की रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा ये आटा लेंगे, इसको चकले पे बेलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है। तो इसको इस तरह से हाथों से बेला जाता है, तो बहुत कंफर्टेबली इसको आप बेल सकते हो। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। इस रोटी को इस तरह से पतली कर लेंगे, बिल्कुल। बेलने के बाद इसको गरम तवे पे डाला जाएगा। अरे सोयाबीन से कितनी आइटम बनाओगे आज? कुछ ज़्यादा नहीं, बस सोया मिल्क बनाएंगे, फिर सोया पनीर बना के उसकी शाही पनीर की सब्ज़ी बना लेंगे, फिर रोटी बन रही है, रोटी खा लेंगे, और उसके बाद हम स्नैक्स में इडली और वो जो टिक्की बनाई है वो खा लेंगे। बस पांच ही तो चीज़ें बना रहे हैं। तो फिर कह सकते हैं ना कि आज तो प्रोटीन डे है। बिल्कुल, और वो भी क्यों ना, लॉकडाउन जो चल रहा है, थोड़ा जा सकते हो डिफरेंट चीज़ें लेने, और हेल्थ का भी ध्यान तो रखना ही है। ये तो सही है, प्रोटीन हमें चाहिए भी ज़्यादा ना। बिल्कुल चाहिए, फिर बॉडी बिल्डर जो बनना है। रोटी बनके तैयार होगी। जो इडली का बैटर हमने रेडी करके रखा था उसमें इनो डालेंगे। इनो डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इडली स्टैंड में डालेंगे। उसको स्टीम करेंगे 6 to 7 minutes में। नॉर्मल इडली की तरह इडली भी बन के तैयार हो जाएगी। सोया मिल्क को बने तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब इसको दोबारा गैस पे रखेंगे और इसका पनीर बनाएंगे। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सिरका ले लिया। वाइट विनेगर में हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके
मिलाते जाएंगे। सोया मिल्क फट चुका है, आप देख सकते हो। इसका पनीर अलग हो गया है। फाइनली वी आर हेयर विद सोया इडली, सोया टिक्की, सोया पनीर वेजिटेबल एंड सोया रोटी। अंश यू कैन हैव दिस नाउ। थैंक यू मम्मा, आई एम सो हैप्पी टू ईट दिस।